हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हम लोग कॉग्निजेंट के टॉप क्वेरीज को लेकर, अपडेट्स ऑन सुपर शेड स्टेटस चेंज, एलओआई, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर एलओआई एंड ऑफर लेटर, बीजीसी प्रोसेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड वेन, सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फिर ना बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के जो भी क्वेरीज रहते हैं कि सर हम लोग के पास एलओआई का मेल कब देखने को आएगा, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पर जो है, ओके, व्हेन विल आई रिसीव माई एलओआई, कंपनीज रोल आउट द लेटर ऑफ इंटेंट इन बल्क, ओके, बैच वाइज। जैसा मैं आपको हर एक वीडियोज में बोलता हूँ फ्रेंड, कोई भी कंपनी हो वो हमेशा रिजल्ट जो है बैचेस में डिक्लेयर करती है। ओके, आफ्टर द इंटरव्यू प्रोसेस इज कम्प्लीटेड विथ ऑल द राउंड स्टेजेस ऑफ ऑल द कॉलेजेस, काइंडली डू नॉट वरी इफ यू हैव कम्प्लीटेड ऑल द राउंड स्टेजेस एंड इफ यू आर सिलेक्टेड, यू विल रिसीव योर लेटर ऑफ इंटेंट सून एंड द जॉब एप्लीकेशन विल बी मार्क्ड एज ऑफर्ड। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू विल ऑल्सो रिसीव एन अपडेट ऑन द सेम डे विथ योर फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना, काफ़ी लोग पूछते हैं सर मैं दोस्त का एलओआई आया सर मेरा क्यों नहीं आया, मैं दोस्त का जो लेटर आया सर मेरा क्यों नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन सभी को देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कंपनी क्यों डिले करती है, बस यही रीज़न है, ठीक है। चलिए आप कमेंट को लेके बात करते हैं। कमेंट नहीं है इसे आप लोग बोल सकते हो, टॉप क्वेरी से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। शुड आई वेट फॉर ज्वाइनिंग लेटर आफ्टर ऑफर लेटर और मूव ऑन, कंपनी रियलिटी है। देखो, अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नवंबर 2021 से अभी तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा फ्रेंड कि आप लोग वेट कर लो ज्वाइनिंग लेटर का। अगर ज्वाइनिंग लेटर रोल आउट होता है तो ज्वाइनिंग लेटर आउट होने में मैक्सिमम जो है फ्रेंड, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 3 वीक का टाइम लगता है कॉग्निजेंट का। कभी कभी 2 वीक में हो जाते हैं, कभी कभी 1 वीक में भी हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ फ्रेंड, जब आप लोग का 3 वीक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग कॉग्निजेंट पर ध्यान मत देना। अभी भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके पास भी ऑफर लेटर आ गया है अभी आप लोग दूसरी कंपनी के लिए भी प्रिपेयर करो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ फ्रेंड, आपसे जो पहले वाले जो बैच थे ना वो अभी भी रो रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, ज्वाइन डेट को लेकर, समझ रहे हो ना। इसलिए बता रहा हूँ, जिसके पास ऑफर लेटर एलओआई का मेल आ चुका है, जो रिसीव कर चुके हैं, आप लोग जो है दूसरी कंपनी रिक्रूटमेंट अगर कर रही है तो उसमें भी अप्लाई करते रहना और प्रिपरेशन करते रहना। क्योंकि अगर कॉग्निजेंट का वेट करते हो तो ये आपका 10 दिन में भी ज्वाइनिंग दे देगी और 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं देगी। आप लोग क्या कर लोगे, फिर आपको सर्वे मेल आएगा, फिर सर्वे मेल फिलअप करो, दुनिया भर का है ये। मेरा तरफ से था, आपके आगे आपका मन, ओके। सेकेंड बात करते हैं, आफ्टर ऑफर टू एनरोल्ड स्टिल नॉट गॉट एनी अपडेट। सी, इफ यू वंस गॉट ऑफर्ड स्टेटस इट्स मीन यू आर सिलेक्टेड एंड कंपनीज इज रिलीजिंग देयर एलओआई इन बैच वाइज, सो यू हैव टू वेट एटलीस्ट सम मोर डेज, ओके। सम आर गेटिंग ऑफर्ड स्टेटस टू एनरोल्ड एंड सम नॉट, वाई। सी, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मल्टीपल कंपनी लाइक विप्रो, हेक्सावेयर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इट इन दिस वे द फर्स्ट जो कंपनी होगी उसका ऑफर आने के बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल कंपनी से अप्लाई की हो तो, लेकिन हाँ अगर आपको एक बार ऑफर आ चुका है तो आप लोग सिलेक्टेड हो उसकी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। गॉट ऑफर्ड स्टेटस बट आई गिवन विप्रो एंड कॉग्निजेंट बोथ इंटरव्यू। सी, अगर आपने मल्टीपल इंटरव्यू दिए, सर मेरा बेस्ट ऑप्शन, मेरा तो ऑफर्ड आ रहा है, वो किस कंपनी का है? देखो, अब ये ऑफर्ड आ गया, दोनों ही का आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो दोनों का जो ऑफर्ड है आप लोग ये श्योर रहना, यस यू आर सिलेक्टेड आइदर विप्रो और कॉग्निजेंट। ऑफर्ड के बाद आपको जो है फ्रेंड 3 से 4 दिन के बाद कंपनी मेल करेगी। अगर आप लोग विप्रो में सिलेक्ट हुए होंगे तो विप्रो से आपको आएगा आपका ऑफर लेटर का मेल, बीजीसी का मेल। अगर आप लोग कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुए होंगे तो आपको सबसे पहले आ जाएगा एलओआई का मेल देखने को। तो ऑफर्ड आ गया, इसका मतलब कि आप किसी ना किसी में सिलेक्ट हो ही, उसके बाद आपको जो है कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडीज का, ऑफिशियल मेल का वेट करना होगा। सबसे पहले आपके पास जो जोन आएगा, आप लोग उसी में सिलेक्टेड थे और उसी का ऑफर आपका स्टेटस शो कर रह गया था, ठीक है। आफ्टर एलओआई ऑफर लेटर स्टिल नो अपडेट, यस। सी, जैसे मैंने वो पहले कहा था फ्रेंड, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की टाइम लगता है, कभी कभी 5 दिन में हो जाते, 10 दिन में हो जाते, कभी कभी 2 महीने में भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर में। व्हेन वी रिसीव ज्वाइनिंग लेटर, ओके, आफ्टर ऑफर लेटर, मेनी कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर 5 to 6 months ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट। जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 1 साल भी लगते हैं। फिर मैंने आपको कम कहा है कि 5 से 6 महीने लगते हैं, क्या पता कि इस बार वो जल्दी आप लोग का ज्वाइनिंग दे दे, बट यहाँ पर जो है
बस ये लक पे डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी का रिक्वायरमेंट के पे डिपेंड करता है, ज्वाइनिंग लेटर आना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना। अभी ऑफर लेटर आ गया, आप लोग खुश रहो, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ऑफर लेटर लेके पड़े हुए हैं, कुछ भी अपडेट उनको देखने को नहीं आया है, ठीक है। आप लोग मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। इस कॉग्निजेंट ऑफर्ड स्टेटस कन्फर्म और सिलेक्शन, यस, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग कन्फर्म नॉट, क्योंकि नॉट नहीं बोल सकते, येस बोल सकते हो कि अगर आपको अगर आप में पैसेंस है 5 से 6 महीने 7 महीने वेट करने का, तो आप लोग के लिए येस, अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग कंपनी स्विच कर देते हैं। इस कॉग्निजेंट रिजेक्ट आफ्टर ऑफर लेटर और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, येस, आफ्टर ऑफर लेटर रिजेक्शन नहीं आता, लेकिन डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग कहीं पर भी मिसमैच करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी आता है रिजेक्शन। ऐसा नहीं है कि आफ्टर ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर के पहले भी बहुत सारे लोगों को आया था, जो आया था और मैंने वीडियो बनाया भी था कि एक बंदे का 59.9% था, उसको ज्वाइनिंग डेट के एक दिन पहले रिजेक्शन आ गया। तो यस, कांग्रेस जब रिजेक्ट करती है तो फ्रेंड यहाँ पर आपका ऑफर के बाद आपको देखने को आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल, ज्वाइनिंग लेटर का मेल, जैसे कि आपको मैंने कहा वेट करना पड़ेगा अभी आप लोगों को। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अगर आपके पास कुछ अपडेट आता है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, आप लोग मेरे ग्रुप में मुझे पिन कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।